नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। एक ऐसी कहानी जो बदल दे हमारी ज़िंदगी, इस श्रृंखला में हम आप ऐसी कहानी की बात करते हैं जो पूरी तरह से हमें बदल देती है, और एक ऐसी कहानी जो मतलब हमें ऐसा विचार करने के लिए मजबूर कर देती है कि ज़िंदगी में क्या हो सकता है या फिर हम किस तरह से विचार कर सकते हैं। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो मतलब ज़िंदगी में हमारी तरह ही था और हम जिस तरह से जीते थे वैसे ही वो जी रहा था, लेकिन एक ऐसा पल या फिर एक ऐसा एक क्षण उसके ज़िंदगी में आया कि उसने उस तरह से विचार नहीं किया जैसे वो ज़िंदगी में विचार करता था, लेकिन उस चीज़ ने उसको पूरी तरह झिंझोड़ कर रख दिया। तो ये दो इंसानों की कहानी है। इस कहानी में दो इंसान है, एक है सतीश जो बहुत ही अच्छा लड़का है और उसकी पत्नी, उसके नाम है जाह्नवी। क्या होता है, सतीश और जाह्नवी की मैं थोड़ी पृष्ठभूमि मैं आपको बता देता हूँ कि जाह्नवी के बारे में अगर बताए तो बहुत ही गरीब घर की लड़की है, और मतलब पहले के जो गांव के लोग थे मतलब ठीक से घर भी उनके पास नहीं होता था, वैसे में वो मतलब बहुत ही गरीबी में जी थी। और इसके अगर बारे में बताऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा डरपोक और बहुत ही ज़्यादा शर्म मतलब कहते ना कि शर्मीली लड़की थी, और बहुत ही अच्छी लड़की थी, हमेशा दूसरों को मदद करने की कोशिश करती थी, और बहुत ही मतलब कहते ना कि अंदर से सोचती थी, कभी भी उसने मतलब दिमाग से नहीं सोचा, वो दिल से ही सोचती थी, और बहुत ही अच्छी लड़की थी। बचपन में क्या होता, एक बार ये जब सोई थी अपने घर पे, उसका घर मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही मतलब एक आसरा है, जिस तरह से हम कह सकते हैं ना वैसा घर। तो क्या हुआ कि जब वे बचपन में अपने घर पे सोई थी तो अचानक एक सांप ऊपर से मतलब उसके छत से आकर उसके मतलब कंबल में गिर गया, और उसे मतलब महसूस हुआ कि सांप गिरा, तो वो इतनी डरी वहाँ पे कि मतलब कहते ना कि उसका दिल ही बैठ गया या फिर कहते ना कि जान मतलब निकल जाएगी, इतनी डरी वो। और तब से उसको सांप की इतनी डर लगता था कि वो सोच भी नहीं सकती, मतलब सांप का नाम ही लेते थे उस नाम लेते ही उसको मतलब रोमांच मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतने वो डरपोक थी। तो क्या हुआ कि उसके बाद वो बहुत ही डरपोक थी और इस तरह से मतलब आगे ज़िंदगी उसकी जी रही थी, और इसके पूरी तरह विरोधी उसका पति था सतीश। और सतीश मतलब बचपन से एकदम मतलब कहते ना कि कभी भी किसी चीज़ को ना डरना या फिर मतलब कभी फटक से उत्तर देना या फिर बहुत ही मतलब कहते ना कि एक हर एक इंसान से मतलब खुल मिलकर बात करना, तो इस तरह से इंसान था वो भी, बहुत ही अच्छा था, वो बुरा नहीं था। धीरे धीरे मतलब दोनों बड़े हो गए और एक दूसरे के साथ उनकी शादी हुई, वो पहले इतने मतलब नहीं जानते थे एक दूसरे को। तो शादी के बाद बहुत ही अच्छा मतलब मिलन हुआ उनका, कि मतलब जिस तरह से मिलनसार उनका स्वभाव भी एक दूसरे से बहुत ही मतलब मिलने वाले थे, तो बहुत ही अच्छे मतलब वो रह रहे थे एक साथ। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक जगह पे घूमने गए और वहाँ पे एक पेड़ था, तो वह पेड़ के मतलब नीचे वो बैठे दोनों और बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे एक दूसरे साथ। और बीच में क्या हुआ कि अचानक सतीश को लगा कि एक मतलब सामने उसके कुछ है, तो उसने देखा, तो उन दोनों ने देखा, तो क्या हुआ कि सामने उसके एक नाग और एक नागिन देखी उसने। तो इसने यही कहा जाह्नवी ने कि जल्दी से हम यहाँ से चले जाते हैं, मुझे डर लगता है सांपों से, लेकिन कभी कभी हमें लगता है ना कि नहीं इसमें क्या डरने की बात है। तो क्या हुआ, सतीश वहाँ से निकल तो जाना चाहिए था या फिर अपने मतलब वहाँ से निकल जाना चाहिए था ऐसे वक्त में, लेकिन वैसे उसने नहीं किया। सतीश ने क्या किया, तो वह एक पत्थर लेके उस दोनों के पीछे पड़ा, एक लकड़ी लेके जो भी मिलता है हाथों में, तो एक पत्थर वाले लकड़ी लेके वो उसके पीछे पड़ रहा है और नाग और नागिन पीछे पीछे मतलब वो भाग रहे बेचारे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी जाह्नवी को। तो क्या हुआ कि उसने एक पत्थर ज़ोर से मार दिया, तो वो नाग के सिर पर ही लगा, और उसने जाकर देखा तो वो पूरा घायल और पूरा तरह मतलब खून से लथपथ था और वहाँ पर ही मरा था। तो ये देखकर सतीश को तो मतलब आपको ही मैंने बताया था, तो उसको कुछ भी बुरा नहीं लगा, लेकिन इसको जाह्नवी को बहुत ही ज़्यादा ये बुरा लगी चीज़, और वो वहाँ पे ही मतलब उसे अच्छा नहीं लगा, वो रोने लगी। और सतीश को तो कुछ लगा नहीं, वो उल्टा वो अब नागिन के पीछे पड़ने लगा और नागिन आगे आगे भाग रही और वो उसके पीछे पीछे। तो क्या हुआ कि वो पीछे भाग रहा है नागिन के, और उसके बाद सतीश उसके पीछे जा रहा है और धीरे से अगर उसने देखा सतीश ने, तो वो नागिन किसी मतलब झाड़ियों में अंदर गई और उसको पता ही नहीं चला। थोड़ा देर मतलब सतीश वहाँ पे रुका, तो उसने देखा कि वो नहीं दिखाई दे रही, तो सतीश वहाँ से फिर से मतलब जहाँ पे वो जाह्नवी थी वहाँ पे आया, तो उसने देखा कि जाह्नवी यहाँ पे गिर पड़ी थी और उसके सामने, और मतलब जाह्नवी वहाँ पे गिर पड़ी है और ये भाग कर गया उसके पास को। उसने देखा कि जो नागिन के पीछे ये लगा था, उस नागिन ने वहाँ से झाड़ियों से पीछे से आकर जाह्नवी को डसा था। एक प्रकार से अगर बोले तो
वो इसे भी डस सकती थी सतीश को छुपकर, लेकिन उसने क्यों डसा इसे, क्योंकि इसने पैर उसका छीन लिया था सतीश ने, इसलिए उसने सतीश का पैर छीन लिया। और सतीश के दिल में पूरी तरह से मतलब अब क्या बोले आपको, वो पूरी तरह से मतलब शॉक था और उसे मतलब इन सारी चीज़ों का सामना करे कुछ पता नहीं चल रहा था। और सतीश देख रहा है वहाँ पे, और उसने देखा नागिन वहाँ पे खड़ी थी और नागिन ने अपना मतलब फना निकाल के ऐसी खड़ी थी और सतीश उसके सामने था। सतीश ने मतलब बहुत रोया वो उसके सामने कि जानवी को लेकर, और वो नागिन के मतलब सामने गया और नागिन उसके सामने गया। और एक वक्त ऐसा आया कि नागिन उसको देख रही है, सतीश नागिन को देख रहा है। ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, मतलब इसका आखिरी में क्या हो जाता है मतलब डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैंने इतनी ही मतलब पढ़ी थी और इतनी कहानी थी वो। ये कहानी सचमुच एक अद्भुत ऐसी कहानी है कि आखिर में एक हम कह सकते हैं कि सतीश इसलिए चुप रहा क्योंकि उसको पता था कि उसकी गलती है, या फिर उसको पता था कि न्याय इसी तरह से होता है, या फिर उसको पता था कि मुझे अब कुछ भी रिएक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि और अगर नागिन की भी बात करें तो नागिन भी अब सतीश को डसने नहीं वाली है, या फिर डस वो भी मतलब ट्राई नहीं कर रही है, वो भी प्रयास नहीं कर रही है सतीश को डसने का। तो ये बहुत ही मतलब सीख दे जाती है कहानी की कभी भी ज़िंदगी में। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो भी काम कर रहे हैं या फिर जो कर्म कर रहे हैं या फिर जो कर्तव्य कर रहे हैं सचमुच सोच समझ कर करना, क्योंकि वक्त हमारे सामने सचमुच क्या लाएगा, वो वक्त इतना बलवान है कि सचमुच मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे सामने कौन सी चीज़ आएगी ना हमें नहीं पता। इसलिए सोच समझ कर कर्म करना, और अगर समझो आपने तो अच्छे कर्म किए हैं और फिर भी आपके सामने कोई गलत आ रहा है चीज़ें, तो आपको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई ना कोई मतलब उसके पीछे बात होगी। मैंने पहले भी कहा था कि जो सारे सवालों के ज़िंदगी में हमारे जो भी चीज़ें होती है उन सारे सवालों के जवाब हमें ज़रूर मिलने वाले, इसलिए आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत तो ज़रा भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि कर्म सोच समझ कर करना। कभी कभी हम मतलब हम छोटी सी चीज़ करते हैं लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ सकता है हमें नहीं पता। मतलब कभी कभी हमें तो कोई बड़ी चीज़ वो नहीं लगती लेकिन सामने वाले को वो बहुत बड़ी चीज़ लग सकती है। इसलिए मतलब हम अच्छा करें या फिर बुरा, कभी कभी हम अच्छा थोड़ा सा करते हैं लेकिन दूसरे को बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। तो मैं आपसे यही कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी ज़्यादा मतलब सोच समझ कर ही कर्म कीजिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ज़िंदगी पर या फिर आगे के जाकर हमारी ज़िंदगी पर, वो हमें नहीं पता। और इस तरह से मतलब हम बिहेव करते, तो आप इस तरह से मतलब सोचें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। कभी भी मतलब सोच कर भी दूसरे का मतलब बुरा ना कीजिए, और दूसरे को कुछ बुरा लगे इस तरह से भी बर्ताव मत कीजिए, और इसी को भी बात मत कीजिए। तो हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कुछ भी मतलब सवाल हो इस कहानी से, क्योंकि ये कहानी बहुत ही मतलब बहुत ही अलग मोड़ लेकर ही ख़त्म हो जाती है मुझे पता है, लेकिन इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी कर्म अपना कर विचार करते समय करिए। कभी कभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो तो ऐसे वक्त में कुछ मत करिए या फिर कुछ मत बोलिए दूसरे के सामने। तो यही मैं चाहता हूँ आपसे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।